जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? अभी जो आप सभी ये दृश्य देख रहे हैं, ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सड़क मार्ग है और देख सकते हैं ये सड़क मार्ग अभी भी कितनी बुरी स्थिति में है। अभी जो आप लोग ये बोल रहे हो कि मुझे यात्रा पर क्या आना चाहिए, क्या हम पैदल यात्रा कर सकते हैं, तो आप सभी इस वीडियो में देख सकेंगे कि जो भी यहाँ पर लोकल लोग हैं या जो भी यात्री गलती से आ रहे हैं वो कितनी कठिनाई से इस सड़क को पार कर रहे हैं। अभी भी सड़क पर स्लाइड हो रखे हैं, अभी भी मलबा सड़क पर आया हुआ है और सड़क से जो है मलबा हटाने का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी यहां से पैदल निकल पाना भी बेहद ही मुश्किल है। आप सभी वीडियो में आगे देख सकेंगे कि इस समय वर्तमान हालत इस समय क्या है सड़क मार्ग का सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का। ये देख सकते हैं यहाँ पर कारीगर और मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, आगे ही देख सकते हैं ये, और ये लोग जो हैं फिलहाल सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। वैसे दोस्तों, दो दिनों से गौरीकुंड सोनप्रयाग में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से यात्रा मार्ग में जो भी निर्माण कार्य हो रहा था वो फिलहाल दो दिनों के लिए रोक दिया गया था। और ये आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, इस समय वर्तमान हालत सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का सड़क मार्ग। अब आप सभी बताइए, अगर ऐसे में आप सभी यात्रा पर आते हैं तो कितना कष्ट से आप सभी को यहाँ से गुजरना होगा। जो लोग सिंगल आएंगे वो लोग तो किसी तरह से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके साथ बच्चे और फैमिली होंगे और सामान होगा वो कैसे यहाँ से पास कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि यात्रा मार्ग जो है अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है और आप सभी यात्रा पर ना आएँ। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी पहाड़ी से जो है स्लाइड हो रखे हैं, सड़क मार्ग जो है पूरी तरह से अभी भी बंद है और इसी प्रकार का दृश्य आगे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए नदी के किनारे जो है, ये देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ आया और पूरा सड़क को ढक कर देख सकते हैं नदी की ओर पूरा स्लाइड हो रखा है, पूरा पहाड़ी से जो है पत्थर नीचे जा गिरा है। यहाँ से भी पास करना बेहद ही मुश्किल है और फिलहाल जो यात्री गलती से आ जा रहे हैं उन्हें यहाँ से ऐसे ही कठिनाई से ये सब रास्ते को पार करना पड़ रहा है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि फिलहाल जो भी यात्री इतने कठिनाई से पास करके गौरीकुंड पहुँच जाते हैं उन्हें आगे यात्रा पर नहीं जाने दिया जाता है। जो भी गौरीकुंड का देख सकते हैं, गौरीकुंड प्रवेश द्वार जो था वहाँ पर एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर ही जो है हमेशा चेकिंग है, वहाँ पर ही पुलिस वाले हमेशा तैनात रहते हैं 24 आवर्स, और वहाँ से किसी को भी फिलहाल आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आगे जो यात्रा मार्ग है इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से टूटा हुआ है, इसलिए यात्री को फिलहाल इस यात्रा मार्ग से जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक सड़क था, लेकिन देखिए सड़क का इस समय कहीं अता पता नहीं चल रहा है। देख सकते हैं पहाड़ी से जो पत्थर आया है, और ऐसे में यहाँ पर कोई यात्री तो नहीं थे, अगर यात्री होते तो सोच सकते हैं उनके साथ क्या होता। तो दोस्तों, वैसे भी बरसात के दिनों में यात्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी यात्री आए हैं इसमें से बहुत सारे सुरक्षित घर गए, लेकिन बहुत सारे यात्री लापता अभी भी हैं, उनका लाश खोजबीन किया जा रहा है, साथ ही कुछ यात्री जो है मृत भी पाए गए हैं, बहुत सारे यात्रियों का लाश भी मिला है। तो आगे देख सकते हैं दोस्तों ये नदी, और देख सकते हैं नदी तक भी जो है पूरा पहाड़ जो टूट कर जो है नदी में जाकर गिर गया है। तो इतनी बुरी स्थिति आज वर्तमान में भी केदारनाथ यात्रा मार्ग का बना हुआ है 22 अगस्त का भी। तो बताइए आप सभी कैसे यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यात्री बात नहीं मानते हैं। ये देखिए अंकल जी हैं, ये भी यात्रा पर आए और देख सकते हैं किस तरह से रास्ते पार करके वापस सोनप्रयाग जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ये लोग अपने घर जाएंगे। ये लोग जो है गौरीकुंड पहुँच गए थे, लेकिन चेक पॉइंट से इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये देख सकते हैं सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जोरों से जारी है, लेकिन अभी फिलहाल और समय लगेगा, तो आप सभी फिलहाल यात्रा पर ना आएँ।